हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। चैनल है हमारा ए टू जेड कनेक्शन, जिस पर कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम मंगवाए थे अमेजोन से, ऑर्डर किए थे 2 सब ऊपर जो कि 6.5 इंची के अंदर आता है, वो भी फ्रेडो कंपनी का आता है। और उसकी हम अनबॉक्सिंग तो पहले कर चुके हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम दोबारा से अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि आखिर कैसा पैकिंग आती है, कैसी क्या आती है। तो अभी इसका क्वालिटी और पैकिंग आपको दिखाते हैं, चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। ये मैंने पहले से खोल रखा है, इसके वजह से मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा से खोल रहा हूँ। इसके ऊपर आप दिखा सकते हैं, थोड़ा सा करीब आके दिखा दीजिए। ये जो है अपना पूरा MDF का सीट एक आती है, जो कि 4 mm के अंदर आती है। ये पूरी ऊपर से पैकिंग और साइड से पैकिंग होकर आती है, और नीचे से भी पैकिंग होती है। तो ये है 4 mm की एक MDF की सीट, और इसके अंदर अपना पूरा स्पीकर रहता है, जो कि 6.5 इंची के अंदर है। और ये आता है आपका जंबो मैग्नेट में, इसके साथ कुछ कनेक्टर्स वगैरह आप देख सकते हैं, ये दिया होता है। और ये जो है आपका, ये है इसके ऊपर की, ये कोन के ऊपर की जो भी है पैकिंग होती है। इसके अंदर एक जो भी कह सकते हैं, वो एक राउंड सा कुछ है। और इसके हम ओपनिंग करते हैं, ये है अपना पूरा रेडो की तरफ से आने वाला 6.5 इंची में जंबो मैग्नेट में सब ऊपर। क्वालिटी आप देख सकते हैं क्या है इसकी क्वालिटी, और आगे से कोन, और इसका जो भी स्पाइडर अंदर से आप देख सकते हैं, काफ़ी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और हार्ड में है। कितना हो भी जंप करेगा अगर कोयल तो दिक्कत नहीं होगा, और स्पाइडर भी काफ़ी अच्छा है। आप एक किनारे से भी दबाइएगा तो पूरा स्पाइडर दबेगा। इसकी क्वालिटी आप इसी से समझ सकते हैं। और ये जो आपका रबर सराउंड है, काफ़ी अच्छा है। और ये जो है आपका बीच में डस्ट कैप होती है, डस्ट कैप भी काफ़ी हार्ड है, जिससे कि दबने का दिक्कत नहीं होता। जब दब जाता है आपका डस्ट कैप, तो आवाज़ थोड़ी सी इधर उधर कंफर्म क्लियर नहीं आ पाती है, तो डस्ट कैप पे आप दबाए ना ही तो ही ठीक रहे। आप पीछे से देख सकते हैं इसकी जो मैग्नेट है, मैग्नेट की साइज़ आप बता सकते हैं। आपको हम बता दें कि ये जो है 120 mm मैग्नेट आती है, जिसकी 4 amps में ये रन करता है, और फ्रेडो की कंपनी की तरफ से आता है 6.5 इंच जंबो सब ऊपर। मैक्स पावर इसकी होती है 600 वाट। 7 इंची वॉइस कॉइल में आती है, जो कि 4 लेयर में आता है, 4 लेयर में आता है। और चारों तरफ इसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है आपको, आगे डस्ट कैप भी ब्रांडिंग मिल जाती है। और इधर देख सकते हैं आप, ये जो है अपना, ये पुश वाला जो भी वायर लगाने का ये सिस्टम दिया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, और काफ़ी सिंपल भी है। आपको बिना सोल्डिंग किए आप इसमें वायर लगा सकते हैं, इससे आपको क्वालिटी पता लगती है। और हैवी भी है बहुत, करीब 2 किलो के आसपास इसका वेट है। मैंने 2 ये मंगाया था, तो मेरे को एक बेस बनाना था जिसमें कि इसको लगाना है। और आपको अगर इसकी टेस्टिंग देखनी होगी तो आप कमेंट करके बता दें, हम इसकी एक अलग से टेस्टिंग की वीडियो बना देंगे। ये है हमारा 6.5 इंची सब ऊपर, वज़न काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसकी क्वालिटी समझ सकते होंगे वज़न से। करीब 2 किलो के आसपास इसका वज़न है। हम दूसरा आपको दिखाते हैं, आखिर ये भी पैकिंग सेम है, ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, लेके जाने आने में, ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ भी सेम वही मिल जाता है आपको, इसका क्लिप वगैरह, बाकी अंदर जो भी एक्सेसरीज है सब कुछ है। हम आपको दिखाते हैं ये वाला जो है अपना, काफ़ी तेज़ धूप है इधर, आपको देखिए धूप में हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये है अपना दोनों सब ऊपर, आपको स्पेसिफिकेशन बताई हैं, बाकी और स्पेसिफिकेशन बहुत सारी हैं, आप जाके अमेजोन पे चेक कर सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। बाकी आपको ओवरऑल दिखाना था कि आखिर कैसी पैकिंग आती है, और कैसा इसका चारों तरफ का सिस्टम वगैरह जो भी बनाया गया है, काफ़ी वज़न में और काफ़ी इसे मजबूत बनाया गया है स्पीकर को। आप देख सकते हैं अंदर से जो भी है ग्लू वगैरह जो भी लगाया गया है, काफ़ी अच्छा लगाया गया है। तो ये इसकी क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा याद आने दो, तो आपको इसकी अनबॉक्सिंग पता लग गई। स्पेसिफिकेशन में भी मैंने आपको जो भी मेरे तरफ से हो सकता था मैंने बताया, तो आपको इसका करीब करीब आपको रेट बता देते हैं क्या रेट पड़ा मेरे को। करीब 1100 के आसपास ये मेरे को अमेजोन से पड़ा था, मैंने 2 मंगवाया था। मेरे को एक बेस बनाना है जिसमें कि इन दोनों को डालना है एक साथ। बाकी ये रहा अपना 6.5 इंची सब ऊपर 2 पीस। इसकी जल्दी एक वीडियो आएगी, जिसके में आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, उससे जल्दी से जल्दी हम इसको आपकी टेस्टिंग की वीडियो डालेंगे। और
एक अपना बॉक्स बनाएंगे जिसमें कि इन दोनों को डालना है। पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि आपको भी अच्छी से अच्छी और एक बेहतर क्वालिटी की सब ऊपर मिल सके। मैग्नेट काफ़ी मजबूत है और काफ़ी वजन में है, और इसके पीछे आप देख सकते हैं एक ये मिल जाती है बीच में, जो कि क्वाइल कभी हीट नहीं होगी और इसका एयर बाहर से बाहर निकल जाता है, जिससे कि क्वाइल कभी ख़राब नहीं होती या कभी जलती नहीं है। ये था अपना 6.5 इंची सबवूफर का अनबॉक्सिंग। आपको जितना दिखाना था उतना दिखा दिया। धूप काफ़ी तेज़ है, मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में। अभी मेरे को दुकान पे निकलना है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टेस्टिंग के साथ, और जो भी बीच में अगर कोई वीडियो आ गई तो हम वो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।